कर्नाटक सरकार में इन दिनों कार पर तकरार मची है। खुद को कांग्रेस की कृपा पर बना सीएम बताने वाले कुमार स्वामी ने जब से अपनी कार से चलने का ऐलान किया वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। दरअसल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कुमार स्वामी ने अपने मंत्रियों को नई कार न लेने की शपथ दिलाई, फिर खुद करोड़ों की कार में चलने का फैसला किया। उन्होंने सरकारी गाड़ी से चलने से इनकार कर दिया है, वो अपनी एसयूवी रेंज रोवर से ही चलेंगे। सीएम कुमार स्वामी की इस कार की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। इसे 2013 में खरीदा गया था। कुमार स्वामी ने अपनी सुविधा के लिए इसे कस्टमाइज यानी मॉडल में बदलाव कराया है। यही नहीं, कुमार स्वामी सरकार के मंत्री बीजे जमीर अहमद खान ने भी सरकारी गाड़ी इनोवा से चलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने लिए फॉर्च्यूनर की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने गजब का तर्क भी दिया। जमीर के मुताबिक वो बचपन से ही लग्जरी कारों में घूमे हैं, ऐसे में इनोवा उनके लिए आरामदायक नहीं रहेगी। इनोवा से चलने पर लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि वो मंत्री हैं। मंत्री जमीर के बयान से लग रहा है उन्हें महंगी कार जनता में भौकाल बनाने के लिए चाहिए। आपको बता दें, राज्य के आधिकारिक काफिले में 37 वाहन ही रखे गए हैं, जिनमें सिर्फ दो ही फॉर्च्यूनर हैं। इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तेमाल के लिए रखा गया था। वहीं बीजेपी ने महंगी कारों के शौक पर कुमार स्वामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं, कल बड़ा घर मांगेंगे।